टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये तीन पीसेस ऑफ मेटा डेटा है जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम ये समझता है कि हमारी वीडियो किस बारे में। इन्हें अच्छे से यूज करोगे तो बहुत इजीली तुम अपनी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचा के रैंक करवा सकते हो एंड ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हो। बट मोस्ट पीपल डोंट नो कि इन्हें यूज करने का सही तरीका क्या है। लोग टाइटल में वो काम कर रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन में करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वो लिख रहे हैं जो टैग्स में लिखना चाहिए एंड सो ऑन, जिससे उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है, द राइट वे टू ऐड टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स फॉर यूट्यूब वीडियोस। ओके, सो अगर इन तीनों ही फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है टाइटल। इट्स बिकॉज ये तुम्हारे वीडियो का वो हिस्सा है जो व्यूअर सबसे पहले देखेगा अलॉन्ग विद द थंबनेल, एंड ऑन दैट बेसिस वो डिसाइड करता है कि उसे वीडियो देखनी है या नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जरूरी हो जाता है कि हमारे टाइटल्स एल्गोरिदम के लिए तो ऑप्टिमाइज हो ही, बट साथ में ह्यूमंस के लिए भी ऑप्टिमाइज हो। सो द फर्स्ट स्टेप इज शॉर्ट एंड इजी टू रीड टाइटल्स। ये हम सबको पता है कि टाइटल में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, राइट? हाँ, होने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कीवर्ड्स भर के टाइटल की खिचड़ी कर दो। बहुत लोग सोचते हैं कि YouTube ने 100 कैरेक्टर्स दिया है तो सबको यूज करना जरूरी है, और फिर वो बिन वजह के कीवर्ड्स डालने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। ट्राई करो कि मोस्ट केसेस में टाइटल 70 कैरेक्टर्स के नीचे का हो, एंड आई एम सेइंग दिस फॉर टू रीजंस। पहला कि इट्स 2023 और एक एवरेज व्यूअर का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। व्यूअर्स जब YouTube स्क्रॉल करते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो हर वीडियो के टाइटल और थंबनेल को अच्छे से देखे, पढ़े, एटसेट्रा। दे जस्ट ग्लांस एट इट, एंड अगर उन्हें लगता है कि वीडियो देखने लायक है देन दे क्लिक। सो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे टाइटल्स शॉर्ट हो ताकि व्यूअर्स का मन भी करे उसे पढ़ने का। दूसरा रीजन है कि अगर टाइटल 70 कैरेक्टर्स से ऊपर जाता है, 75, 76, 80, तो वो एंड से कट होने लगेगा। अगर सजेस्टेड सेक्शन की बात करें तो वहां सिर्फ 40-50 वर्ड्स के बाद ही टाइटल्स कट होने लगते हैं एंड से। यही वजह है कि यूट्यूबर्स लाइक मिस्टर बीस्ट अपने टाइटल्स को हमेशा अंडर 50 कैरेक्टर्स रखते हैं, सो दैट वो हर ट्रैफिक सोर्स में इजीली विजिबल हो। ऑफ कोर्स तुम्हें इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, बस ट्राई करो कि एटलीस्ट टाइटल अंडर 70 कैरेक्टर्स रखे एंड यू आर गुड टू गो। लेट्स से टाइटल 70 कैरेक्टर्स को एक्सीड भी कर रहा है तो मेक श्योर कि जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें स्टार्टिंग में रखो, सो दैट वो कम से कम व्यूअर आराम से पढ़ पाए। द सेकंड टिप इज टू प्ले विथ व्यूअर्स इमोशंस। रिमेंबर मैंने कहा था कि टाइटल सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए भी लिखना है। दैट्स व्हाई इट्स अ गुड आइडिया कि तुम ऐसे फ्रेजेस इंक्लूड करो जिससे व्यूअर के मन में बेसिक ह्यूमन इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट, शॉक, फियर, एंगर, अर्जेंसी, ये सब क्रिएट हो। एग्जाम्पल, मैं एक टिप्स वीडियो बना रहा हूँ किसी भी चीज के बारे में, लेट्स से 5 टिप्स टू गेट मोर व्यूज, तो अगर इसमें एक्साइटमेंट का इमोशन ऐड करना है तो मैं कोई फ्रेज यूज कर सकता हूँ लाइक इंस्टेंट रिजल्ट्स या दिस ऑलवेज वर्क्स। अगर मुझे अर्जेंसी क्रिएट करना है तो आई कैन राइट समथिंग लाइक डोंट मिस दिस। फियर क्रिएट करना है तो मैं लिख सकता हूँ डू दिस और नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। सो इस टाइप से तुम्हें व्यूअर्स के इमोशन का हेल्प लेना है उन्हें क्लिक करवाने के लिए। ये मत सोचो कि टाइटल में सिर्फ कीवर्ड्स डाल दिया तो काम हो गया। टाइटल्स भी थंबनेल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए और उन्हें क्लिक करवाने के लिए। सो इसके बारे में लोगों के बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि डिस्क्रिप्शंस यूजफुल है, वहीं बाकियों को लगता है कि इनका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रखूंगा, आई विल टेल यू कि YouTube क्या बोलता है इसके बारे में। गो टू YD स्टूडियो, वीडियो डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे देखो एक क्वेश्चन सिंबल है। इफ यू क्लिक ऑन इट, YouTube ने कहा है राइटिंग डिस्क्रिप्शंस विद कीवर्ड्स कैन हेल्प व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस मोर इजीली थ्रू सर्च। मतलब यस, डिस्क्रिप्शंस आर इंडीड इंपॉर्टेंट। अब जो भी हमें कीवर्ड्स डालना है, जो भी SEO करना है वीडियो का, वो हम यहीं करेंगे। तो YouTube ने क्या कहा है कि प्लेस कीवर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स से मेरा वीडियो है YouTube थंबनेल के बारे में, तो सबसे पहले मुझे इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड और भी जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें फाइंड करना है। तो ये तुम डायरेक्टली YouTube सर्च की मदद से कर सकते हो, बस अपना मेन कीवर्ड सर्च बार में डालना है एंड वहाँ पॉपुलर कीवर्ड फ्रेजेस आ जाएंगे जो लोग सर्च कर रहे हैं। सो उसमें से जो भी तुम्हारे वीडियो के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है उन्हें कॉपी करके एक जगह लिख लेना। फिर जो कीवर्ड का पहला वर्ड है उसके पहले एक अंडरस्कोर डालोगे तो तुम्हें और भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे, सो यू कैन कॉपी दैट एज वेल। वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड फ्रेजेस, अब बारी है उन्हें डिस्क्रिप्शन में डालने की। तो जो दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड फ्रेजेस हैं उन्हें तो तुम डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में ही लिख दो, और सेपरेट करने के लिए एक स्लैश सिंबल या एक वर्टिकल स्लैश सिंबल का यूज कर सकते हो। फिर देखो, YouTube ने यह भी कहा है कि यू कैन गिव एन ओवरव्यू ऑफ योर वीडियो, मतलब एक समरी लिख सकते हो कि वीडियो में क्या क्या होगा एटसेट्रा। एंड इस पे भी तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोग डिस्क्रिप्शन सिर्फ तब पढ़ते हैं जब उसमें कोई इंपॉर्टेंट लिंक हो या फिर उन्हें वीडियो से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन होता है तब, अदरवाइज ओवरव्यू इतना मैटर नहीं करता है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम्हारे पास जो भी कीवर्ड फ्रेजेस बच गए हैं उनको यूज करके एक ओवरव्यू लिख सकते हो जस्ट लाइक दिस। यू कैन सी कि मैंने वीडियो को एक्सप्लेन तो किया ही है एक समरी के फॉर्म में, बट साथ में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड फ्रेजेस बच गए थे उनको भी इंक्लूड कर दिया है। तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो एंड इस टाइप से यू कैन ऑप्टिमाइज योर वीडियो फॉर द यूट्यूब सर्च इंजन। इसके अलावा टाइम स्टैम्प्स और वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डाल सकते हो इफ नीडेड।
अब देखो, यहाँ तक हमने जो भी लिखा डिस्क्रिप्शन में वो हर वीडियो के हिसाब से अलग अलग होगा, राइट? बट देन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेम रहेंगी। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन। जस्ट गो टू YT स्टूडियो, सेटिंग्स, अपलोड डिफॉल्ट्स, एंड वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। यहाँ पे तुम जो भी लिखना है लिख सकते हो, एंड नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से वो सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, सो तुम्हें हर बार सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। YouTube ने ये भी कहा है कि कीवर्ड स्टफिंग यानी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेसिव टैग्स डालना, ये भी YouTube के पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसका ध्यान रखना। ओके, सो मोस्ट ऑफ द इंडियन YouTube टिप्स चैनल्स टैग्स पर कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं, बिकॉज ऑफ विच न्यू क्रिएटर्स को भी लगता होगा कि व्यूज लाने के लिए टैग्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? तभी तो यार इतने वीडियोस बने हैं। बट द ट्रूथ इज कि टैग्स डू नॉट मैटर मच। अकॉर्डिंग टू YouTube, टैग्स बहुत ही मिनिमल यानी कि बहुत ही छोटा रोल प्ले करते हैं एक वीडियो के डिस्कवरी के लिए। नॉट जस्ट दिस, उसी पेज पर YouTube ने यह भी कहा है कि वीडियो का टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, ये टैग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइक YouTube भी क्रिएटर्स को क्लियरली बता रहा है कि टैग्स पे ज्यादा फोकस मत करो, और जब YouTube कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे सबसे ज्यादा वैल्यू दो ओवर एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कोई क्रिएटर तुम्हें दे रहा है। एक एक्सपेरिमेंट भी है जो ओरिजिनली मिस्टर बीस्ट ने अपने चैनल पे किया था 7 साल पहले, चाहो तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। बेसिकली एक रैंडम स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स लेना है और उसे एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है और किसी और वीडियो के टैग्स में डालना है। अब अगर तुम उस स्ट्रिंग को सर्च करते हो YouTube पर तो यू विल सी कि जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो स्ट्रिंग था वो आ जाएगा, बट जिस वीडियो के टैग्स में डाला था वो नहीं आएगा, विच अगेन प्रूव्स कि डिस्कवरी के लिए टैग्स आर वेरी इरेलेवेंट। तो अगर अभी भी तुम टैग्स पे घंटों स्पेंड कर रहे हो तो इट्स बेटर कि वो टाइम टाइटल और थंबनेल जैसी चीजों को इम्प्रूव करने में लगाओ। नाउ इवन दो टैग्स उतने काम के नहीं है, उन्हें यूज करने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। टैग्स अगर 0.1% भी मैटर करते हैं तभी भी इट्स अ गुड आइडिया टू ऐड देम। सो नाउ हाउ टू ऐड टैग्स? वेल, इसके बहुत सारे तरीके हैं। लाइक मैं मैन्युअली सर्च करके डाल देता हूँ, मतलब वीडियो का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कीवर्ड फ्रेजेस ढूंढता हूँ, जैसे डिस्क्रिप्शन के लिए ढूंढा था, और उसे ऐड कर देता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा करना मुश्किल लगता है तो ट्यूब बडी या विडाइक्यू इंस्टॉल कर लो, और उससे तुम देख सकते हो कि जो बाकी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया है जिस पे तुम बना रहे हो, वो कौन से टैग्स लगा रहे हैं, एंड उन्हें कॉपी करके अपने वीडियोस में लगा सकते हो। इसके अलावा एक वेबसाइट भी है rapidtags.com, वहां पे सिंपली अपने वीडियो का मेन कीवर्ड डालोगे तो तुम्हें जितने भी यूजफुल टैग्स हैं वो सब मिल जाएंगे। ऑल्सो YouTube ये भी कहता है कि हम टैग्स को कंटेंट या चैनल नेम के कॉमन मिसस्पेलिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपने एनालिटिक्स में देखा है कि बहुत लोग मेरे चैनल का नाम डिकोडिंग YT के जगह डिकॉर्डिंग YT सर्च करते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं टैग्स में जाके डिकॉर्डिंग YT ऐड कर सकता हूँ, एंड मे बी इससे कोई फर्क पड़े ना पड़े मुझे क्या, YouTube ने कहा था मैंने कर दिया। बट दैट्स इट, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि टैग्स आर वेरी लेस हेल्पफुल इन 2023। ओके, सो अब क्योंकि हमने अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करना सीख लिया है, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इतना करने से हमारे व्यूज आने लगेंगे? द आंसर इज अ येस एंड अ नो। प्रॉपर SEO करने से तुम्हारी वीडियो रैंक तो कर जाएगी, बट सिर्फ प्रॉपर SEO करने से रैंक नहीं करेगी। लेट मी एक्सप्लेन। जब तुम कोई टॉपिक YouTube पे सर्च करते हो तो जो वीडियोस YouTube तुम्हें सबसे पहले दिखाता है, क्या वो वीडियोस सबसे ऊपर सिर्फ इसलिए रैंक करते हैं क्योंकि उनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स प्रॉपर हैं? हाँ, प्रॉपर तो है, बट क्या सिर्फ वही रीजन है? नॉट रियली। YouTube का मेन गोल है व्यूअर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बनाए रखना, एंड दैट्स व्हाई एल्गोरिथम कोशिश करता है कि वो तुम्हें ऐसी वीडियोस दिखाए जो तुम एक्चुअल में देखना चाहो। बिकॉज थिंक अबाउट इट, इतना ही आसान होता तो सभी अपने वीडियोस में परफेक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिख लेते हैं और आराम से टॉप वीडियोस में रैंक कर जाते, राइट? बट ऐसा नहीं होता। YouTube बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स को देखता है, लाइक CTR, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, रिटेंशन, एंड इनके बेसिस पे वीडियोस को रैंक करता है। अगर किसी वीडियो का CTR खराब है, वॉच टाइम भी नहीं आ रहा है उस पे, तो फिर TubeBuddy, VidIQ सब कुछ का सब्सक्रिप्शन लेके बेस्ट SEO भी कर लो, कुछ नहीं होगा। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग द राइट थिंग्स लाइक CTR, ऑडियंस रिटेंशन, ये सब। तो अगर इन चीजों को इम्प्रूव करना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पे क्लिक करो। तुमसे वही मिलूंगा। बाय।